शहर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बुधवार को शहर भाजपा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोविड-19 के संक्रमण के उपचार में खून की कमी से जूझ रहे मरीजों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए आयोजित इस शिविर में करीब 100 लोगों ने रक्तदान कर अपना सामाजिक दायित्व निभाया है। कोविड-19 के बढ़ते प्रादुर्भाव ने मानवीय जीवन को मानो पूरी तरह झंझोर दिया है। लगातार बढ़ रही मृतकों की संख्या बढ़ने लगी है, जो कि समाज में डर की स्थिति पैदा कर रही है। ऐसे में हाल ही में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में खून की कमी को लेकर चिंता जताई थी, जिसके मद्देनजर दिग्रह शहर भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट विवेक बनगिनवार की अगुवाई में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, ताकि कोविड-19 से जूझ रहे मरीजों को खून की कमी से जूझना न पड़े। कोरोना का प्रादुर्भाव खूब मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे। रक्ताचा तुटवडा हा आपल्या महाराष्ट्र राज्यात खूप मोठ्या प्रमाणात आहे। आता आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितलं की 5-7 दिवसाचंच रक्त आपल्याकडे शिल्लक आहे। रक्ताअभावी खूप लोकांचा मृत्यूसुद्धा होत आहे। हे आम्ही विचार करून भारतीय जनता पार्टी दिग्रजकडून आम्ही हे रक्तदान शिबिर आयोजित केलं आहे। आज 21 एप्रिलला हे आम्ही शिबिर आयोजित केलं आणि आत्तापर्यंत 8 तासामध्ये जवळपास 15 ते 20 रक्तदात्यांनी आपलं रक्त दिलेलं आहे। व आपण हे रक्त या आजच्या या घडीला जर आपण दिलं तर खरंच ते सर्वश्रेष्ठ दान म्हणून म्हटलं जाईल। त्यामुळे प्रत्येकाने रक्तदान करावं व आपल्या शासनात मदत करावी, हे आमचे आवाहन। विकराल होते जा रहे कोरोना काल की इस दौर में दिग्रह शहर भारतीय जनता पार्टी की यह सामाजिक पहल बेहद सराहनीय है। बहरहाल इस शिविर में यवतमाल की एकनिल ब्लड बैंक ने रक्त संकलन की जिम्मेदारी संभाली। वहीं इस शिविर में लगभग 100 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया है। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन कर इस शिविर को कामयाब बनाने में शहर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता ने अपना अहम योगदान दिया है। BCN न्यूज के लिए दिग्रह से जुबेर खान की रिपोर्ट।